आज हम लोग कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक, जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं, उसकी अभ्यास 2 की सी उसकी चौथी सवाल लगाएंगे। इसके पहले हमने 1 से 3 तक सवाल पिछले वीडियो में लगा दिया था। चलो अब हम चौथी सवाल लगाते हैं। चौथी सवाल के -343/512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में लिखो। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले -343 और 512 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभी -343 का देखते हैं, 343 का गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 343 का गुणनखंड करते हैं, तो इस पर 7 पे करना है, इसको 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, ये हो गया इसका 343 का। अब 512 का देखो, 512 क्या बोला है, 8 के ऊपर घा, इसका आधार क्या होगा 8, तो इसको 8 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं 8 क्या है। तो क्या हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 48 इसमें 3 बचेगा, 3 2 8 4 32 हो जाएगा, 8 28 64 हो जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम इसमें क्या होगा, -343/512 को घात के रूप में लिखना है, तभी क्या करेंगे इसको, -7 × 7 × 7 343 का हो जाएगा, और 512 क्या होगा, 8 × 8 × 8 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -7/3/8 बराबर -7/8/3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। पांचवी सवाल देखो बेटा, 1000/1331 को आधार 10/11 पर घाती संकेतन के रूप में लिखो। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, जिस आधार क्या है, 1000 10/11 के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, 1000 का गुणनखंड करेंगे, 1000 का आ जाओ गुणनखंड करते हैं, 10 10 1 10 100 हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा, 10 1 10 हो जाएगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, ये हो गया। अब 1331 का करते हैं, 1331 का क्या हो जाएगा, 11 से करेंगे, 11 1 11 11 2 22, 11 1 11, फिर 11 से भाग दोगे तो 11 1 11, 11 1 11 हो जाएगा, फिर 11 से करोगे तो 1 आ जाएगा। अभी इसका क्या हो गया बेटा, ये गुणनखंड हो गया। अब 1000/1331 को हम गुणनखंड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 10/11 × 10/11, 3 बार है ना, 10/11, इसका मतलब क्या हो गया, गुणा में क्या होती है, घाते जुड़ती हैं, तो 10/11 इसका बेस हो गया। अब कितना हो गया है, जिसके ऊपर अगर सिंगल संख्या होगी उसका मतलब एक घात लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, 1+1+1, 3 बार है, तो क्या हो जाएगा, 10/11 की घात 3 हो गया, यही इसका आंसर हो गया बेटा। चलो छठवीं सवाल देखो बेटा, 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर दो घात लगी हो, जिसका घात 2 हो, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी घात 2 हो। घन किसे कहते हैं, घन में घातें कितनी होती है, 3 होती हैं, उसे क्यूब कहा जाता है। वर्ग में घात 2 होती है और घन में कितनी होती है, घात 3 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको घात 2 के रूप में व्यक्त करना है, वर्ग रूप में बोल रहा है, तो इसका मतलब घात 2 के रूप में व्यक्त करना है। अब आइए इस काम करते हैं सवाल, सबसे पहले क्या करेंगे, 1024 का क्या करेंगे, 1024 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 512। अब क्या हो जाएगा इसमें,
पंजे दस, दो इक्कीस, दो दूनी चार, फिर दो से करेंगे, दो दूनी चार, दो पंजे दस, दो छंग बारह, दो एक, दो एक के दो, दो दूनी चार, दो आठ सोलह, दो छंग बारह, दो चौक आठ, दो तीन छः, दो दूनी चार, क्या हो जाएगा, दो एक, दो से फिर करेंगे, दो एक के दो, दो छंग बारह, दो आठ सोलह, दो चौक आठ, दो दूनी चार, दो एक के दो हो गया। इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड, ये हो गया 1089 का, देख लो बेटा क्या होगा, 1089 तीन से करो, तीन त्रिक का नौ, तीन से नहीं होगा, पहले 11 से करो, 11 नौया 99, 11 नौ 99, फिर करो 11 से, 11 नौ 99, फिर करो तीन से, तीन से करो, तीन इक्के तीन हो गया। अब देखो इसका 1024 बटे 1089 बराबर क्या हो जाएगा, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस है ना, एक दो तीन, दो दो चार दो छः, दो आठ, दो दो चार, दो तीन छः, दो चौक आठ, दो पंजे दस, ग्यारह हो गया है, दस हो गया बटे ग्यारह गुणे तीन गुणे तीन, क्या हो जाएगा, वर्ग में ही इसको करना है तो वर्ग में क्या करेंगे, दो जैसे दो दूनी चार हो जाएगा, ये गुणे दो दूनी चार हो जाएगा, फिर दो दूनी चार हो जाएगा, दो दो चार, दो तीन छः, दो चौक आठ, दो दूनी चार हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, बटे 11 गुणे तीन गुणे तीन, क्या करना है, इसको वर्ग के रूप में लिखना है बेटा, चार की घात दो गुणे चार की घात दो, देखो ये दोनों चार हो गया, ये चार की घात दो हो गया, दो हो गया, अब इसको दो, चार की घात दो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, दो की घात दो बटे 11 गुणे 11 है ना, तो 11 की घात दो लिख सकते हैं, इसमें तीन की घात दो लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसके पहले नियम देखा है ना, जिसका आधार अलग अलग हो लेकिन घातें बराबर हैं तो क्या हो जाता है, उसमें गुणा हो जाता है, जैसे ए गुणे ए की घात एन गुणे बी की घात एन बराबर क्या हो जाता है, ए ए बी की घात एन हो जाता है, तो ऐसे इसका भी है, सबकी घातें बराबर हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें बेटा मान लो इसको बराबर कर दिया, घात दो हो गया, तो इसमें हो जाएगा चार गुणे दो बटे ग्यारह गुणे तीन, अब क्या हो जाएगा, चार चौक सोलह दूनी बत्तीस बटे ग्यारह तीन तैंतीस, तैंतीस घात दो, यही बेटा आपका आंसर आ गया, वर्ग के रूप में लिखना था इसको। आशा करता हूँ वीडियो आपकी पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।